Hi dear students, in this session of economics today, let us see today the chapter number 4th, that is the banking and monetary policy in economics. तो इसके previous session में हमने money and inflation देखा था, तो आइए देखते हैं कि money का एक application जो है banking के अंदर वो किस तरह से देखने के लिए मिलता है. In our previous videos, we have seen that what is the meaning of bank, the evolution and meaning of the banking, the classification of banks and the functions of the banks we have seen. And we have also seen the types of the accounts like savings account, deposit facility of recurring account, recurring deposit and fixed or long-term deposit, jise FD kaha jata hai. तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज़. व्हेन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस रिक्वायर मनी फॉर पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पस, दे बोरो फ्रॉम द बैंक एंड बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट बाय चार्जिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अगर किसी को भी बिजनेस के अंदर या इंडिविजुअल्स यानी अकेले किसी को भी अगर मनी की ज़रूरत होती है पर्सनल या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वो बैंक से मनी को बोरो करते हैं और इसी लिए बैंक उन्हें मनी प्रोवाइड करती है क्रेडिट पे बाय चार्जिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. पर्टिकुलर जो भी लोन लेना है उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है. इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड बोरोइंग और क्रेडिट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली क्रेडिट जो हम लेते हैं बैंक से वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है. दीज टाइम पीरियड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड एंड मे वेराई फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. ये टाइम पीरियड स्ट्रिक्टली फिक्स नहीं होते हैं, ये वेराई होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए. एंड हाउएवर इन अ थियोरिटिकल सेंस शॉर्ट टाइम टर्म इज पीरियड अप टू 1 ईयर. और अगर थियोरिटिकल सेंस में इसको हम समझे तो शॉर्ट टाइम पीरियड 1 ईयर के लिए होता है, मीडियम टर्म पीरियड इज़ फॉर 1 to 5 ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म पीरियड इज़ फॉर 5 to 15 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्पस क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल रीजंस, फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और फॉर बिजनेस एक्टिविटी. तो अगर हम पर्पस के हिसाब से देखें तो क्रेडिट के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी के लिए हम बैंक से मनी को बोरो करते हैं. आइए देखते हैं द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वेराई विद द पर्पस. तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हम बैंक से लोन लेते हैं वो वेराई करता है, यानी कि अलग अलग होता है किस पर्टिकुलर टाइप के हम लोन ले रहे हैं, यानी कि हाउसिंग लोन ले रहे हैं या एग्रीकल्चरल रिलेटेड लोन या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की लोन ले रहे हैं. नंबर थर्ड पॉइंट है पेमेंट एंड द विड्रॉल फैसिलिटीज़. अ बैंक प्रोवाइड्स इजी पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी. बैंक इजी पेमेंट और विड्रॉल की फैसिलिटी देती है उसके कस्टमर को इन द फॉर्म ऑफ द चेक्स, विड्रॉल स्लिप्स एंड ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर, ATM फैसिलिटीज़, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा. आज ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है बैंक जो अपने कस्टमर्स को दे रही है. नंबर फोर्थ पॉइंट इज़ क्रेडिट क्रिएशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए इसको. बैंक्स अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू एंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फुलफिल्स द डिमांड फॉर द मनी. इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां गुड्स की डिमांड तो होती है पर उसका सप्लाई बहुत कम होता है. तो वही कुछ कंसेप्ट इसके अंदर क्रिएट होता है. तो बैंक वो इन सभी एक्टिविटीज़ के साथ में एक दूसरी जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है बैंक के लिए वो भी ध्यान में रखती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन. अब क्रेडिट क्रिएशन के अकॉर्डिंगली बैंक इस बात पे पूरा ध्यान रखती है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है इकोनॉमी के अंदर वो इनफ हो ताकि जो मनी की डिमांड है मार्केट के अंदर वो सेटिस्फाई कर सके. हालांकि मनी जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, पर मनी एक ऐसा फैक्टर माना जाता है कि इकोनॉमी के अंदर सफिशिएंट होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए. बैंक्स क्रिएट मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द मनी. बैंक जो मनी बनाती है उसके एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में से ही बनाती है, यानी कि जो डिपॉजिट होता है उसमें से. आइए देखते हैं कैसे बनाती है. देयर बाय ऐड टू द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. और उन्हीं डिपॉजिट्स पे बैंक मनी बनाती है. यहाँ पे बनाना यानी करेंसी नोट्स इशू करना नहीं होगा, पर जो डिपॉजिट होगी उसके ऊपर कमाई करेगी और कमाई करके फिर उसी को सप्लाई करेगी. एंड व्हेन द चेक इज क्रेडिटेड
When credit creation by bank increases, जब credit creation bank का increase हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है, the supply of the money increases, और इसी की वजह से जो supply होता है उस पर भी effect होती है और वो increase हो जाता है. And when credit creation decreases, the supply of money reduces, और credit creation जब कम हो जाता है economy के अंदर तो supply of money भी reduce हो जाता है यानी कि कम हो जाता है. When a bank lends money from primary deposits, bank अगर किसी को money दे रही है अपने primary deposits में से यानी कि उसने जो अपने accounts में रखे हुए हैं, the borrower has to open an account with the same bank or another bank in order to deposit the check of the loan. तो जो borrower होता है loan लेता है उसे उसी की branch में एक account open करवाना पड़ता है और उसे जो money मिलती है. अब अगर कोई भी इंडिविजुअल ऐसा होगा किसी पर्टिकुलर बैंक से लोन लेगा, से फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है एक्स, उसने एसबीआई बैंक में से लोन ली है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसे एसबीआई बैंक में लोन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और बैंक कभी भी उसके अकाउंट में मनी को क्रेडिट नहीं करेगी. इंस्टेड ऑफ दैट उसे एक चेक देगी जो कि एक डॉक्यूमेंट के पर्पज से सर्व करेगा आने वाले फ्यूचर में, और उतने ही अमाउंट का चेक देगी जितने अमाउंट की वो लोन ले रहा है मिस्टर एक्स एसबीआई बैंक में से. अब व्हेन द चेक इज क्रेडिटेड इन द न्यू अकाउंट, और उसी चेक को फिर न्यू अकाउंट जो लोन अकाउंट ओपन हुआ होगा मिस्टर एक्स का एसबीआई बैंक के अंदर, उसे वो क्रेडिट करेगा और उतनी अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगी. इट बिकम्स अ डिराइव्ड डिपॉजिट फॉर द बैंक, और बैंक के लिए ये एक डिराइव्ड डिपॉजिट हो गया क्योंकि भले ही किसी को लोन दे रही है पर वो लोन बैंक के अकाउंट में से किसी कस्टमर के अकाउंट में आ रहा है. फ्रॉम दिस डिराइव्ड डिपॉजिट द बैंक कैन क्रिएट स्टिल अनदर लोन अकाउंट फॉर अ थर्ड पर्सन, और भले ही लोन उसने पर्टिकुलर अमाउंट के किसी को दे दी है उसी अमाउंट में से बैंक एक दूसरी लोन भी दे सकती है, और जिसे जो पर्सन होगा वो थर्ड पर्सन होगा या थर्ड पार्टी होगा. द थर्ड पर्सन्स लोन बिकम्स वन मोर डिपॉजिट फॉर द बैंक, और ये जो थर्ड पर्सन को लोन देगी तो उसके लिए बैंक के अंदर एक और डिपॉजिट अकाउंट ओपन होगा. थस अ बैंक कैन क्रिएट सेवरल डिपॉजिट्स फ्रॉम अ प्राइमरी डिपॉजिट, और बैंक इसी तरह से उसके पास में जितने डिपॉजिट पड़े हुए हैं और उन डिपॉजिट्स में से अलग अलग जितने लोगों को लोन दे रही है उतने नंबर ऑफ द अकाउंट्स ओपन करेगी. ये सिंपल थियरी है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. फॉर एग्जांपल बैंक के पास में 1 करोड़ रुपीस डिपॉजिट है तो वो 1 लाख रुपीस की लोन 100 पर्संस को दे रही है, तो डिपॉजिट बैंक का इनिशियली एक ही अकाउंट था पर जब उसने डिपॉजिट अकाउंट अगर किसी को लोन देना शुरू किया 100 पीपल को 1 लाख रुपीस की लोन ईच पर्सन दी है तो 100 नंबर ऑफ द डिपॉजिट्स अकाउंट बैंक में अलग अलग ओपन हो जाएंगे. अब आगे क्या होगा, तो बिसाइड्स व्हेन द बोरोवर विड्रॉज द लोन अमाउंट फ्रॉम हिज और हर अकाउंट एंड स्पेंड्स इट, देयर इज अ ग्रेटर सर्कुलेशन सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. और ये ज़रूरी होगा कि कोई भी पर्सन अगर लोन ले रहा है एक बार तो वो अपने अकाउंट में से मनी को विड्रॉ करेगा ही करेगा और फिर स्पेंड भी करेगा आगे जाके इकोनॉमी में. तो जो एक ही एंटिटी के पास में बैंक के पास में लोन पड़ा हुआ था अब वो सर्कुलेशन में आ गया इकोनॉमी में, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि डिमांड तो इकोनॉमी में पहले से ही थी मनी की पर सप्लाई बैंक ने किया अलग अलग पर्संस को लोन देकर, और इससे सप्लाई जो है वो सफिशिएंट रहेगा और इकोनॉमी स्मूथली चलती रहेगी. नो बैंक कैन लैंड द फुल अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट, और कभी भी बैंक के पास में जितने डिपॉजिट पड़े होते हैं वो 100% लैंड नहीं करती है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही लैंड करती है वो. फ्रॉम एवरी डिपॉजिट द बैंक हैज़ टू कीप असाइड सम प्रोपोर्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स विच इज़ नोन एज द कैश रिजर्व, और हर एक डिपॉजिट में से बैंक को कुछ ना कुछ अमाउंट एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ता है, और उस कैश रिजर्व को कैश रिजर्व अकाउंट करके भी बोला जाता है, एंड उसका एक रेशियो फिक्स होता है. थस दे कैन लैंड द रिमेनिंग मनी ओनली, और वो रिमेनिंग जितनी बाकी रहती है मनी उतनी ही लैंड कर सकते हैं. आइए इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझें. इफ अ बैंक हैज अ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ ₹1,000 एंड द कैश रिजर्व रेशियो डिटरमाइंड बाय रूल इज 20%, देन द बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट अप टू 1,000 into 1/20%. In other words, primary deposit of ₹1,000 can create a money supply of 5,000, and it can be said that new credit of 4,000 is created. This can be understood with an example. अगर किसी बैंक के पास में ₹1,000 डिपॉजिट में पड़े हुए हैं तो उस ₹1,000 का डिपॉजिट बैंक अब किस तरह से करेगी, तो वो अलग अलग पर्सन को एज अ लोन
देगी और उनके अकाउंट ओपन करेगी। से फॉर एग्जांपल अगर 1,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं तो उसका 20% ही लैंड करेगी, बाकी का 80% अपने पास में रखेगी। पर क्योंकि हम क्रेडिट क्रिएशन की थियरी समझ रहे हैं तो ये 1,000 में से बैंक 5,000 की क्रेडिट क्रिएट करेगी, यानी कि भले ही उसके पास में अमाउंट 1,000 पड़ी हुई है पर वो अप टू द 5,000 की क्रेडिट क्रिएट कर सकती है और लोन दे सकती है। अब होगा ये, इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हम समझें कि अगर जो 20% बैंक उसका कैश रिजर्व रख रही है, यानी कि 1,000 रुपीज़ में से 80% ही लोन दे रही है और 20% अपने पास में कैश रिजर्व रख रही है, कि अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं बैंक में से मनी विड्रॉ करने के लिए, तो एट दैट टाइम वो उस कैश में से जो कैश रिजर्व में रखा होता है उसमें से वो लोगों को देती है अपने जो डिपॉजिट वो करते हैं बैंक अकाउंट में। इसको सिंपल एग्जांपल से समझे तो टेबल 4.1 में दिया हुआ है कि यहाँ पे बैंक दी हुई है, अलग अलग बैंक्स दी हुई है, ए बी सी और पर्टिकुलर बैंक से। फिर नेक्स्ट कॉलम दिया है नेट डिपॉजिट इन रुपीज़, कितनी डिपॉजिट कर रहे हैं। Required reserves in rupees, reserve ratio is 20%. तो थर्ड कॉलम जो दिया है वो रिजर्व रेशियो का है, यानी कितने परसेंट अमाउंट वो रिजर्व करके रख रहे हैं। एंड फोर्थ कॉलम जो दिया है दैट इज़ द न्यू लोन्स, कितने रुपीज़ की न्यू लोन्स वो सेंक्शन कर रहे हैं इन रुपीज़ के अंदर। अब ए बैंक है, उसके पास में नेट डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ के हैं और इसमें से वो 200 रुपीज़ एज पर 20% रेशियो अपने पास में रिजर्व रखेगी और जो लोन देगी लोगों को वो 800 रुपीज़ की देगी। नंबर बी बैंक जो है वो इसी 800 रुपीज़ की जो लोन है उसमें से 20% का रिजर्व रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं तो 160 हो रहा है और 640 की लोन दे रही है। नंबर सी बैंक जो है तो उसके पास में नेट डिपॉजिट आ जाती है 640 की आफ्टर डिडक्टिंग 40% ऑफ द अमाउंट जो रिजर्व रेशियो का हो रहा है, फिर उसमें से अगर 20% की रिजर्व रख रही है तो वो 120 हो रहा है और न्यू लोन जो दे रही है वो 512 की दे रही है। अब यहाँ पे इसी तरह से अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा तो नेट डिपॉजिट बैंक्स के पास में 1,800, 640, 512 ऐसे करके बैंक के पास में नेट डिपॉजिट एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे 5,000 के नेट डिपॉजिट्स होंगे, उसमें से 20% अगर वो रिजर्व रख रही है तो 1,000 रिजर्व रख पाती है और न्यू लोन यानी कि पहले बैंक के पास में इनिशियल डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ का ही था पर अब 4,000 की न्यू लोन उसने दी है तो 1,000 प्लस 4,000 दैट इज़ 5,000 रुपीज़ के नेट डिपॉजिट हो रहे हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको अगर फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम समझें तो क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/ कैश रिजर्व रेशियो। तो इसी को अगर हम फार्मूला से समझें तो क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू होता है प्राइमरी डिपॉजिट, यानी इनिशियली जितना हमने डिपॉजिट किया, इनटू 1/ कैश रिजर्व रेशियो जो 20% होता है वो। व्हेन कस्टमर्स विथड्रॉ मोर मनी देन द डिपॉजिटेड अमाउंट फ्रॉम द करंट अकाउंट इट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड दिस ऑल्सो लेंड्स टू द क्रेडिट क्रिएशन। और जब ज़रूरत से ज़्यादा अपने अकाउंट में जितनी मनी होती है कस्टमर विड्रॉ करता है बैंक में से तो उसको ये बोला जाता है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ दी गई, यानी मेरे अकाउंट में अगर 1,000 रुपीज़ है पर मुझे 1,500 की ज़रूरत है तो एक्सेस 500 रुपीज़ बैंक वो मुझे जब दे रही है एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम को यूज़ करने के लिए तो उसे मैं बोल सकता हूँ मुझे बैंक ने एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ दी। इस तरह के भी बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। और नेक्स्ट वन इज़ इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, यानी कि एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांजेक्शन्स किस तरह से हो रहे हैं। तो बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू वन अनदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। बैंक्स एक दूसरे को भी लोन प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम पे जब उन्हें ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड बाय वन बैंक टू अनदर थ्रू द सेंट्रल बैंक एंड इट इज़ कॉल्ड द कॉल मनी। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट उसे बोला जाता है जब एक बैंक दूसरी बैंक को सेंट्रल बैंक को यानी कि जो केंद्र से ऑपरेट होती है केंद्रीय बैंक जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय अधिकृत, तो वो जब अंदर अंदर एक दूसरे को मनी हेल्प करती है, फॉर एग्जांपल एसबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को हेल्प की तो उसे बोला जाएगा कॉल मनी। या ये जो कॉल मनी होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। द इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल मनी इज़ कॉल्ड द कॉल मनी रेट। और इसकी हेल्प करने के लिए भी एक इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाता है जिसे कॉल मनी रेट कहा जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि कैसे बैंक के जो पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़ वो एक फंक्शन होता है,
कैसे क्रेडिट क्रिएशन होती है एंड कैसे इंटर बैंकिंग यानी कि एक दूसरे की बैंक्स के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो यहाँ का सेशन हम आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से बैंक के दूसरे फंक्शंस भी होते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी नाइस डे।